नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेचुरल लाइफ में। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पीरियड से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल बातें जो आपको कभी भी कहीं भी हेल्पफुल हो सकते हैं। चाहे आप कॉलेज गर्ल है, स्कूल गर्ल है, ऑफिस गर्ल है या फिर कोई भी एज की लेडी है, आपके लिए ये सारी टिप्स बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीरियड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को आज भी ज्यादातर लड़कियां किसी से शेयर नहीं करती हैं और अंदर ही अंदर इस प्रॉब्लम से जूझती रहती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे इजी सॉल्यूशंस जो आपके पीरियड्स के दिनों को आसान बना सकते हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम को आसान कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें पीरियड की डेट पता रहती है लेकिन ऐसा फिक्स बिल्कुल नहीं होता है कि उसी डेट को पीरियड आएंगे। पीरियड 2 दिन आगे भी हो सकते हैं और 2 दिन पीछे भी हो सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हर लेडी 2 दिन पहले से ही पैड लगा के रखती है क्योंकि दाग लगने का उसे डर रहता है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन खड़ा हो गई कि दाग लग जाएगा तो इसीलिए वो कहीं भी बाहर जाती है तो पैड लगा के ही रखती है। तो क्या होता है कि जब पीरियड आते हैं तो 7 दिन तक तो हम लगातार तब भी पैड लगाते हैं, तो ऐसे में कंटिन्यू 8-10 दिन हो जाते हैं पैड लगाने के, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन या फिर रैशेस या फिर खुजली ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपके पीरियड की डेट आती है तब आप एक छोटे पाउच में पैड अपने साथ अपने बैग में रखें। तो आपको जरूरत पड़ती है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप अपनी पैंटी में एक छोटा पॉकेट बना सकते हैं और उसमें पैड रख सकते हैं। तो आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, या तो फिर कभी ऐसी सिचुएशन हुई तो आप अपने दोस्त की भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पैड लगाना कंफर्टेबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वॉशरूम की प्रॉब्लम है, तो आप पैड की जगह पर पैंटी लाइनर आता है उसका यूज करें। वो पैड की कंपैरिजन में काफी छोटा होता है जिससे आपको टेम्पररी प्रोटेक्शन मिल जाएगा और बाद में आप पैड लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 2 दिन या फिर 3 दिन अगर आप एक्स्ट्रा आगे से ही पैड लगाते हैं तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होने वाली है उससे आप दूर कर सकते हैं। जब पीरियड आ जाता है तब स्टार्टिंग के 2 दिनों में बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होता है या तो फिर किसी किसी को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा पेन है तो आप सिकाई कर सकते हैं। इसके लिए आप हॉट वाटर का यूज कर सकते हैं। हॉट वाटर बैग मिलता है मार्केट में, आपको गर्म पानी करना है और इस बैग में ऐड कर लेना है। अब आप अपने पेट के ऊपर इसे रख दीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है उतने टाइम पर उस तरह से आप सिकाई करिए। इससे आपको पेन में काफी रिलैक्स मिलेगा, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर आपके पास इस तरह का बैग नहीं है तो आप गर्म पानी करके इसे बॉटल में भरकर भी सिकाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप राइस को गर्म कर लीजिए तवे पर और उसे मोजे या फिर कोई ऐसा पाउच है उसमें इसे ऐड कर लीजिए और उससे भी आप अपने पेट की सिकाई कर सकते हैं। या फिर आपको ज्यादा बैक पेन है तो आप वहां पर भी सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपको पेन में काफी राहत मिलेगी और आपके मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। और सिकाई करने से आपका पेट जो बड़ा हुआ लगता है वो काफी कम हो जाता है क्योंकि क्लोटिंग जमा नहीं होती है। और ऐसे में अगर आपको पैरों में ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप अरंडी के तेल से पैरों के तलवों में मालिश भी कर सकते हैं, ये भी काफी आपको रिलैक्स कर सकता है। स्टार्टिंग के 2 दिनों में महिलाओं को इतना ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहता है कि उसे कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता है, और स्कूल गर्ल, कॉलेज गर्ल और ऑफिस गर्ल को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपनी पैंटी में आप डबल पैड लगा सकते हैं। पहले एक पैड को इस तरह से लगाइए और उसके ऊपर आप सेकंड पैड को इस तरह से लगा लीजिए। तो आपको ज्यादा ब्लीडिंग होगा तब भी एक पैड से लीक होगा ब्लड अगर, तो वो सेकंड पैड तक ही जाएगा और वो बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। इसके अलावा आप डबल पैड भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका एक पैड पूरी तरह से खराब हो चुका है तो आप उसे रिमूव कर लीजिए, अब आपका सेकंड पैड है उसे आप एंजॉय कीजिए। पीरियड के टाइम में आपको पैंटी हमेशा कॉटन की ही पहननी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि दाग लग जाएगा और वो नहीं निकलता है तो आप होजियरी मटेरियल की, यानी कि जो हमारे नाइट ड्रेस, बिकिनी वगैरह आते हैं, उस टाइप के फैब्रिक की भी पैंटी पहन सकते हैं, उसमें दाग इजीली निकल जाते हैं। और अगर आपकी कोई भी
कॉटन की पैंटी या फिर कोई भी ऐसे अच्छे ड्रेसेस में दाग लग गए हैं तो उसे निकालने का भी बहुत ही आसान तरीका है। आप सबसे पहले एक टब में कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी लीजिए और उसमें आपको 1 से 2 चम्मच नमक ऐड करना है। अब इसे मिक्स करके आपके जो भी कपड़े में दाग लगा है उसे इसके अंदर डुबो के रख दीजिए। आप 2 घंटा या फिर ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। उसके बाद इसे वॉश कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि आपका दाग जो लगा था, ब्लड जो लगा था, वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। इसके अलावा आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। इससे भी दाग छुड़वाना बहुत ही आसान है। पीरियड के टाइम पर जो आपके अंडर गारमेंट्स है वो आपको लूज नहीं पहनने हैं। जो पैंटी है आपकी वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, जिससे आपको पैड हिलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। पैड अपनी जगह पर स्थिर रहेगा जिससे दाग लगने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पीरियड के टाइम में हर लेडी को टेंशन रहती है कि सोते टाइम बेड में या फिर बेड शीट में दाग लग जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस तरह की बेड शीट रेडी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको टॉप 3 वर्ल्ड पे देखने को मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सेट को आप अपने मैट्रेस के साथ फिक्स कर लीजिए, ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। आप पुराने टॉवेल या फिर बेडशीट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा सिकुड़ जाएगा, अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहेगा। तो आप कोई भी पुराने कपड़े का यूज करके इस तरह से सीट बना सकते हैं। आप कहीं बाहर है और आपको लगता है पीरियड आ गया, या फिर तो ऐसा लगता है हैवी ब्लीडिंग के वक्त कहीं दाग लग गया, तो ऐसे में आप अपने जैकेट या स्क्रब कुछ भी है जो भी है आपके पास उसे टाई अप करके दाग को छुपा सकते हैं। या तो जब भी आपका पीरियड का टाइम है उस टाइम पे आप अपने साथ एक स्कार्फ को जरूर रखें। ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो आप स्कार्फ को टाई अप करके ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा पेन है तो आप इस तरह से कोई भी पेन किलर अपने पास रख सकते हैं। इस टेबलेट का नाम है मेप्टास्पास। ये मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ली है। आप भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इस तरह की कोई भी पेन किलर मेडिसिन अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा पेन है तब भी आप इसका यूज करें। इसके अलावा आप गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे ले सकते हैं। इससे आपको तुरंत ही दर्द में राहत मिलेगी और आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। पीरियड्स के टाइम में आपको जंक फूड, ऑयली और स्पाइसी खाने को अवॉइड करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां, दूध, फ्रूट और फ्रूट जूस इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पीरियड्स के टाइम में आप ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ आसान और इजीली जो हो सके आपसे ऐसी एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इससे आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे और आपको ज्यादा पेन भी नहीं होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बेनिफिट्स मिल पाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले उपयोगी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।